नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी कुंभाराम जी आर्य के बारे में, जिन्होंने किसानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। आज़ादी से पहले गांव के गांव एक ही व्यक्ति के जागीर हुआ करते थे। खेती करने वाले किसान के पास उसका स्वयं का खेत तो दूर, रहने के लिए बाड़े और घर भी नहीं होते थे। जागीरदार के अतिरिक्त राजपूतों के पास जीवन यापन के लिए स्वयं की कृषि भूमि होती थी, जिन्हें भूमिया कहा जाता था। चौधरी कुंभाराम जी आर्य का जन्म 10 मई 1914 को पंजाब प्रांत के खेरा खुर्द गांव में हुआ था। बचपन में अपने मित्रों के साथ लुक मीचनी का खेल खेलते वक्त ब्राह्मण मित्र के घर के बाहर मटके के पीछे छुपने पर चौधरी कुंभाराम जी आर्य को ब्राह्मणी ने एक ऐसा डंडा मारा कि वे जीवन भर जातीय भेदभाव को नहीं भूल पाए। यही वजह है कि वे आजीवन जातीय भेदभाव तथा शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। चौथी कक्षा तक पढ़ाई कर चौधरी कुंभाराम जी आर्य हनुमानगढ़ के जनगात महकमे में नौकरी करने लगे, लेकिन उम्र कम होने के कारण जल्द ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। माँ के कहने पर बीकानेर रियासत के अधीन पुलिस महकमे में फिर से भर्ती हो गए। रियासत की नौकरी करते हुए भी कुंभाराम आर्य ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लेकर लौटे कुंभाराम आर्य को अब आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण बीकानेर रियासत की थानेदार की नौकरी छोड़नी पड़ी। आज़ादी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा तथा जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। उन दिनों बीकानेर रियासत में जागीरदारी प्रथा की लागबाग के खिलाफ आंदोलन करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हनुमान सिंह, चौधरी कुंभाराम जी तथा हंसराज आर्य जैसे लोग थे। कुंभाराम जी आर्य और हंसराज आर्य के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1946 को ललनान में एक सभा हुई, जिसमें 50 से 60 गांवों के लोगों ने भाग लिया और जागीरदारी से मुक्ति पाने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। देश आज़ाद हुआ तो बीकानेर रियासत में जागीरदारों से संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कुंभाराम आर्य तथा मारवाड़ के जागीरदार जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बलदेव राम मिर्धा किसानों को उनके खेतों का मालिकाना हक दिलवाना चाहते थे। कुंभाराम जी आर्य स्वतंत्र राजस्थान राज्य की अंतरिम सरकार में जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पहला कदम उठाते हुए राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम जून 1951 में पास कराया, जिसमें जागीरदार किसान से 1/6 से ज़्यादा नहीं ले सकेगा। 18 फरवरी 1952 को जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू किया गया। 13 नवंबर 1954 को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में आर्य राजस्व मंत्री बने। राजस्व मंत्री बनते ही उन्होंने जागीरदारी उन्मूलन करके खेत जोड़ने वाले किसान को खेत का मालिकाना हक दिलाने के लिए दो विशेष उल्लेखनीय कार्य किए। पहला जागीरदारी प्रथा पुनर्ग्रहण संशोधन अधिनियम तथा दूसरा राजस्थान टिनेशनी एक्ट 1955। दोनों अधिनियम पास होते ही राजस्थान में जागीरदारी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई।